शनिवार है तोते को बुखार है, लेट ना करो जीता रसोडा भी तैयार है। अरे मेरे नशे हो गया लगे, तेरी भाभी दिखे यार अंदर है। हाँ। या तो भाभी है साथ, मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं गजेंद्र फोगाट को, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, इस गाने से जो धूम इन्होंने मचाई है। पहले से आप जाने जाते थे हरियाणवी पॉप के तौर पर, बहुत पहले आप हरियाणा में लेकर आए और बॉलीवुड में क्या दमदार एंट्री की है आपने। सब आप लोगों का प्रताप है, मैं हमेशा बोलता हूँ हरियाणवी में मेरा एक शेर है कि एक माटी की डली गजेंद्र इस तरह बड़ी जात नहीं, तुमने गायक बना दिया मेरी कोई औकात नहीं। सो मैं तो स्कूल से ही जब गा रहा था, लेकिन मेरे को इंट्रोडक्शन तभी मिला जब मैं पहली बार बॉलीवुड में सुपरस्टार्स जो हमारा आता था डीडी मेट्रो पे वहां से आया, और उसके बाद माता का ईमेल ने तो बहुत प्यार दिया लोगों का जी, बहुत प्यार मिला लोगों का बिल्कुल। उसके बाद से ही काफी आपके पहले से फैंस थे और माता का जैसे ही ईमेल आया लाखों की तादाद में फैंस हो गए। लोगों को अपनी सिलेक्शन का रिकॉग्निशन जब मिलता है उनको कि हमारा चयन गलत नहीं है जी, तब लोगों को अच्छा लगता है। फिर वो भी फील करते हैं कि हमने जिस कलाकार को सर आंखों पे लिया वो कलाकार वास्तव में डिजर्व करता था। लोगों को भी खुद को खुद पे प्राउड होना तभी शुरू होता है जब वो कलाकार कुछ कर दिखाता है। सो वो परमात्मा के आशीर्वाद से हमने किया और लोगों ने प्यार दिया और आपके सामने हूँ। लेकिन गजेंद्र जी, हमने सुना कि गायकी के फलक पर घर से पहले कोई सपोर्ट नहीं था, घर में कोई नहीं चाहता था कि आप गायकी में जाएं। मुझे लगता है ये केवल कलाकार की विडंबना नहीं है, ये एक खिलाड़ी की विडंबना भी है, ये एक साहित्यिक आदमी की विडंबना भी। हर माँ बाप ये चाहता है अपने बच्चे से कि वो सिर्फ पढ़े 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 पढ़े। देश हर साल 10 लाख इंजीनियर और 7 लाख डॉक्टर पैदा किए जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियरों की फौज इकट्ठी हो गई है, बेरोजगार लंबी लाइन में खड़े हैं ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री लेके। कोई आदमी वीणा नहीं बजाना चाहता, कोई तबलिश नहीं बनना चाहता। आपको मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 20-25 साल पहले महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा, सरकारी स्कूल महाराष्ट्र का, उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा सा छात्र सचिन जब 10वीं में कंपार्टमेंट लेके आया तो उसके टीचर्स ने उसको धमकाया, उसके प्रिंसिपल ने उनको पीटा और घर से भी बहुत ज्यादा उसको सहायता नहीं मिली। और जब वो सचिन से सचिन तेंदुलकर बना 18 साल बाद, तो आज महाराष्ट्र बोर्ड में उसकी जीवनी पढ़ाई जाती है। So, भारत की ये विडंबना है, मेरी नहीं है, कि यहाँ पे जब बच्चा संघर्ष के दिनों में होता है, अपना चाह से कुछ करना चाहता है, तब उसको कोई सपोर्ट नहीं होती। जब वो कुछ बन जाता है तो सभी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हमने भी इसको सपोर्ट किया था, हमें पता था ये बच्चा अपने सपने साकार करके रहेगा। सो ऐसी प्रॉब्लम तो हमारे समाज का हिस्सा है जी। ये पिताजी के लिए कह रहे हैं, पहले नहीं चाहते थे आप मान गए हैं। पिताजी के लिए नहीं कह रहा, पूरा समाज ऐसा है हमारा। कोई अगर जब आप पत्रकार बनना चाहेंगे, आप मेरी छोटी बहन है, अगर आप आपने जब शुरुआत की होगी, हमारे पीछे स्क्रीन के पीछे जो कैमरामैन है, जो एडिटर है, पूरा हरियाणा न्यूज की टीम है, जब उन लोगों ने अपने घर पे कहा होगा कि हम तो हरियाणा न्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं या टीवी पत्रकारिता में जाना चाहते, पहला सवाल यही रहा होगा क्या करेगा, कितना कमाएगा, बिल्कुल सरकारी नौकरी लग जा। सो ये सब लोग, सारी भीड़ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने तक की दौड़ है, सिर्फ और सिर्फ भविष्य में जीते हैं हमारे पेरेंट्स, वर्तमान को कभी नहीं देखते कि वर्तमान में हमारा बच्चा क्या चाहता है। एक दर्शक है हमारे अनिल सांगवान जो आपसे बात करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्कार। सर नमस्कार। अनिल सांगवान जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, कैसे हैं मित्र मेरे भाई? बढ़िया सर जी। सर जी हमें पता लगा था, एक तो कल के शो के लिए सर आपका ट्यूबवेल पे जो आ रहा है उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप पहले पहुंच गए ट्यूबवेल पे जी। ट्यूबवेल पे दिवाली 20 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है और आप सब लोगों की सहायता से, आप सब लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से भगवान ने चाहा तो सब लोगों के दिलों पे राज करेगा अनिल जी। बिल्कुल सर, हम वेट में सर आपके सॉन्ग के सर। कल 11 बजे यूट्यूब पे आ जाएगा सांगवान साहब। बिल्कुल, क्या उससे पहले यहाँ हरियाणा न्यूज के मंच पर हम सुन सकते हैं इसको सर? हाँ सांगवान, हमारे लिए एक्सक्लूसिव हो जाएगा गजेंद्र जी से। गजेंद्र जी, जो कल 11 बजे आप ट्यूबवेल पे दिवाली ये गाना आपका लॉन्च होने वाला है, यहाँ पर हम उसके दो पंक्तियां अगर सुन सकते। जड़े यार बैठ गए मार पलाथी वा सांझ निराली ढळ्या करे,
ढाल्या करे कदे आके देखिए ट्यूबल पे मारी रोज दिवाली मन्या करे आके देखिए ट्यूबल पे मारी रोज दिवाली मन्या करे। बेसिकली सॉन्ग में एक बड़ा रामेर मेला जी ने लिखा बड़ा एक सार गर्भित बात है हाँ। कि भारत का व्यक्ति जब दुनिया पूरी चांद पे और मंगल पे जीवन ढूंढ रही होती है तो भारत का व्यक्ति जीवन में मंगल ढूंढ रहा होता है जी। तो हमारी दिवाली तो रोज बनती है बिल्कुल। हम सुबह उठते हैं धरती को नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि हे माँ अब मैं सारा दिन तेरी छाती पे चलूंगा मुझे क्षमा कर देना। ये हमारे संस्कार है। अभी अभी श्राद्ध गए हैं हमारी माए हमारे पेरेंट्स हमारे मरे हुए पूर्वजों को कौवे के माध्यम से गाय के माध्यम से बैल के माध्यम से रोटी दे के और ये सुकून महसूस करती है कि मेरे पूर्वजों तक जा रहा है। बिल्कुल इतनी महान संस्कृति है। तो हम इसीलिए मैंने ये गाने में बड़ा अच्छा वीडियो भी बनाया कि भाई कभी भी आके देख लेना हम ट्यूबल पे भी जहाँ काम कर रहे थे वहां भी हम इतने सुकून और प्यार से रहते हैं वहां भी दिवाली बनती है हमारी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बहुत ही उत्साहित है आपसे बात करने के लिए। अंकित है हमारे साथ। अंकित जी बोलिए। हेलो हेलो सर। अंकित भाई राम राम। नमस्कार भाई साहब और क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। जी भाई वो सॉन्ग सुना दे पानी अखे का। मेरी कुछ त लगे थी जो गया भुलाया ना यो पानी अखिया का बिन बात तो आया ना यो पानी अखिया का बिन बात तो आया ना कुछ तो बात थी जो भुलाया नहीं गया। जी ये मेरा एक गाना आया था 2006 में सात में और युवाओं के दिलों पे इस गाने ने बहुत दस्तक दी हाँ। और आज तक भी वो दस्तक अंकित की आवाज में सुनाई दी आज तक इनको ये गाना जो इतना पसंद आया कि आज भी ये गजेंद्र जी से ये गाना सुनना चाह रहे थे। हालांकि कल का जिक्र हमने किया यहाँ पर ट्यूबवेल पे दिवाली नया गाना लॉन्च होने जा रहा है जी बिल्कुल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी है। विकास को किस बात का इंतजार है सुन लेते हैं। गजेंद्र जी से ये भी बात करना चाह रहे हैं। मेरी बारी ही नहीं आने दे रहे आपकी फैन फॉलोइंग देखिए विकास जी क्या है विकास जी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए सर और फोन पर आप हमें सुन पा रहे होंगे आप बात कर सकते हैं गजेंद्र फोगाट से। राम राम जी। राम राम विकास भाई प्रणाम कैसे हो? भाई बढ़िया जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई साहब फैन नहीं भाई हो आप टीवी पर देख रहा हूँ आपने। अच्छा बड़ा धन्यवाद विकास भाई बहुत धन्यवाद आपने फोन कराया। और पानीपत सब ठीक ठाक है बाड़ी किसी है? कौन सा इंडिया तबार के टूर तेरे वो वाला जी। अच्छा इंडिया तबार के टूर तेरे मैं रोहतक कदे दनोदा तने लंदन यूके देख लिए मने देखा ना घर खोदा तू कहगी मने चांद पे जाना हमने दूर लगे हैं नरवाना होटल में तू लंच करे मने माँ के हाथ का चाहिए खाना मारे खेल कबड्डी कुश्ती मारे खेल कबड्डी कुश्ती से तू वीडियो गेम में बड़ी रवे हम खेत पे जाला चार बजे तू बेड पे मुद्दी पड़ी रवे मारे टूटेली तर पैरा में तन चस्का उची एडी का तू यो 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 करती है मैं फैन गजेंद्र के डी का। ये हमारा एक गाना बहुत बहुत गाना आया था जैसा तेरी मेरी बाजी को तान डाली और हम पूरी टीम के साथ मैं दर्शकों के लिए बता दूं आप सब लोगों को भी खुशखबरी है कि अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म हुआ था जी जी। लेकिन उन लोगों ने दोबारा हमें मौका दिया है और 29 तारीख को हमारी फ्लाइट है 3 नवंबर को मेलबर्न में और 4 नवंबर को ब्रिस्बेन में और शायद 5 नवंबर को भी प्रोग्राम की कोशिश चल रही है सिडनी में। तो हम हरियाणा की पूरी टीम वहां पे टूर कर रही है हरियाणा के दर्शक वहां पे हमारा बेसब्री से इंतजार करें हम हरियाणा दिवस वहां मना रहे हैं आपकी बात। एक और दर्शक है टोनी हमारे साथ आपसे बात करना चाह रहे हैं। टोनी जी बोलिए। हेलो सर। नमस्ते टोनी भाई। नमस्ते सर। क्या हाल चाल? सर बिल्कुल ठीक है सर आपकी दो ट्यूल पे दिवाली वाली दो लाइन जड़े यार बैठ के मार पला थी वह सांझ ने राली ढड़ा करे कदे आके देखिए है ट्यूबल पे मरी रोज दिवाली मन्या करे। टाइमिंग बहुत अच्छी है इस गाने को लॉन्च करने की दिवाली पास में सामने है दिवाली बड़ा इंतजार किया मैंने 6 महीने से गाना तैयार था लेकिन वीडियो डालनी ही थी दिवाली पे इसलिए हाँ अभी दशहरा आज हुआ है तो दिवाली जो है अभी 20 दिन में दिवाली है तो दिवाली तक हम इस गाने
को पूरा रिपीट करेंगे और दिवाली तक लोगों के मन पे भी आ जाएगा ये गाना। ये कल आ जाएगा, आज आज इस गाने की इतनी डिमांड है जी, कल भी दिवाली तक बहुत दूर है। विकास जी की बात सुन लेते हैं, देखिए आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं। विकास जी बोलिए, विकास जी चले, इनका संपर्क टूट गया। तो हम बात कर रहे थे आप गायकी मैं अनीता, मेरा मेरी मुझे सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा। अनीता जुड़ गई हमारे साथ, अनीता जी बोलिए। जी ये गजेंद्र फोगाट जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा गा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत ही खुश हूँ। मैं विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। विशाखापट्टनम से अनीता जी नमस्कार, मैं गजेंद्र फोगाट बोल रहा हूँ, प्रणाम। विशाखापट्टनम से हो रहा है जी। जी धन्यवाद अनीता जी, आप कहाँ से हो वैसे बेसिकली? मैं हरियाणा से ही हूँ, वैसे विशाखापट्टनम में रहती हूँ, दलाल है मेरे हस्बैंड। अच्छा, दलाल साहब को भी प्रणाम कहिएगा, विशाखापट्टनम छोड़ कर आ जाओ, हरियाणा बतेरा बड्डा है, आड़े कर लेंगे सारा क्या मैं खाना दाना, इतनी दूर क्या करूँ जी। डिफेंस में है भैया। अच्छा डिफेंस में है, ठीक है बहन जी, सैनिकों के लिए स्पेशल सम्मान है, उनको सैल्यूट है, और परमात्मा करे आप जब भी हरियाणा है तो मेरे को फोन करिएगा। चलिए हरियाणा में आप इन्हें हरियाणा में बुला रहे हैं, एक जिद हमने भी सुनी है कि आपकी ये जिद थी कि हरियाणा में रहकर ही अपने हुनर का लोहा मनवाना है। देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल, धूप बनाने वाले लोग हर स्टेट में है, अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए अपना विस्थापन करेंगे तो मुझे लगता है सारे गांव खाली हो जाएंगे। जी जी। मैं कहता हूं कि गांव में रहकर भी, छोटे शहरों में रहकर भी आप अचीवमेंट कर सकते हैं, ना केवल क्रिकेट में, ना केवल संगीत में, ना केवल साहित्य में, आजकल तो सोशल मीडिया है, हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं था। सोशल मीडिया में गाँव में खेत में बैठा हुआ बच्चा बहुत अच्छी अगर कोई आइडिया आ जाए तो खेत से लाइव हो जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। इसलिए मैं युवाओं को ये बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे रहो, परमात्मा पे भरोसा करो और मेहनत करते रहो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए जयसिंह वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वर्मा जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार वर्मा साहब। जी जी आपका गाना बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं अगरतला त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते जी, त्रिपुरा से फोन किया है आपने? जी जी त्रिपुरा से बोल रहा हूँ जी। जी वर्मा साहब त्रिपुरा से। जी जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं तो आज, एक्चुअल में पता नहीं था मुझे कि आप हरियाणा का चैनल पहली बार देख रहा हूँ जी, आपको बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, मैं डिफेंस में हूँ जी यहाँ पे। अरे सर डिफेंस में हो आप, चलो सैल्यूट है आपको। जी, त्रिपुरा से अगरतला से बोल रहा हूँ जी, अगरतला त्रिपुरा से जी। ठीक है, वैसे आप हरियाणा में कहाँ से हैं? मैं बेसिकली भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, शिवानी मंडी के पास गाँव है जी, बड़ुआ मेरा। अच्छा अच्छा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जी, बिल्कुल बहुत बड़ा, बहुत धन्यवाद आपका, भिवानी में भी कार्यक्रम कर रहे हैं हम आपके 25 तारीख को। गाना सुना दो जी, बहुत बहुत मैं आपका देख रहा हूँ जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ जी शो जी, इसको माइंड मत करना जी। अरे अरे कोई बात ही नहीं है साहब। कौन सा गाना आपको लगता है कि आपको अभी अभी सुनना है, क्योंकि कल इनका एक बहुत ही नया गाना आ रहा है ट्यूबवेल पे, दिवाली। दिवाली पे सुनाए जी। जी अरे राष्ट्र हित का गला घोट कर छेद ना करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। अब की बार दिवाली में कोशिश कीजिएगा कि चाइनीज लड़ियां और चाइनीज पटाखों को छोड़ के मिट्टी के दिए जलाएं, ताकि गरीब आदमियों का भी भला हो और हमें भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जो मिट्टी के दिए में सरसों का तेल जब जलता है और घी जब जलता है तो वातावरण में जितना भी प्रदूषण होता है वो सक कर लेता है, खींच लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कृपया करके अब की बार वातावरण के साथ इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। मैं तो कहूंगी कि बहुत ही सुरीला संदेश आपने दिया है, ये इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का, मिट्टी वाले दिए जलाना बहुत ही सुरीला संदेश दिया है, और इनसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। गजेंद्र फोगाट से आपको भी मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज शनिवार है, तोते को बुखार है, लेट ना करो जी, दारू सोडा भी तैयार है। अरे मेरे नशे हो गया लगे, तेरी भाभी दिखे यार अंदर है। हाँ। या तो भाभी है, निवार है, तोते को बुखार है, लेट ना करो जी, दारू सोडा भी तैयार है। अरे मेरे नशे हो गया लगे, तेरी भाभी दिखे यार अंदर है। हाँ। या तो भाभी है। तो
गजेंद्र फोगाट से खास मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। गजेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए, आप में से जो कोई भी अगर बात करना चाहता है गजेंद्र जी से तो आप जरूर बोले, फोन करें हमें। गजेंद्र जी से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे ब्रेक के दरमियान हमने बात की कि युवाओं के लिए क्या कुछ, अभी जो नया है वो छात्र संघ चुनाव रहा, कुछ कहेंगे उस पर अपने विचार आपके? बहुत अच्छा हुआ, मैं 1997 में अपने कॉलेज का क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, सीआर जिसे बोलते हैं, और अब की बार तो सीआर की इम्पोर्टेंस पता लगी है जब सारे सीआर ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना। अच्छी बात है, 20-22 साल बाद चुनाव देखने को मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि नए युवा राजनीति में आना बंद हो गए थे, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं तो कहूंगा कि अगले साल तो धूम धड़ल्ले से हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को ये चुनाव कराना चाहिए, और कमाल हो जाएगा जब नए नए नेता इस देश में आएंगे। देखिए जितने भी नए पंछी होते हैं वो और ज्यादा स्वतंत्र और आजाद ख्यालात के होते हैं। हमारा जो आज का युवा है ये बंटी और बबली ही आगे जाके देश को संभालेंगे, सभी वृद्धों से देश नहीं संभाल सकता, नए युवाओं को भी आना पड़ेगा। सो मैं हमेशा बोलता भी हूँ, फिर से आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, तुमसे बेहतर, हमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सो इन युवाओं के हाथ में बेफिक्र होकर कमान सौंप दीजिए राजनीति की। मैं 100% बोलता हूँ कि देश तरक्की की राह पे और ज्यादा तेज चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही आपने, फिर से आएंगे नगमों की कलियां सुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मैं इसे याद करूंगी सर, मैं कहीं ना कहीं इसको जरूर बोलने वाली हूं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा अनूठा लगा, अच्छा लगा। विकास वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बोलिए विकास जी। विकास जी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले सर। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। नमस्ते विकास जी। हेलो, नमस्ते विकास जी। विकास जी हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। गजेंद्र जी राम राम। राम राम विकास भाई, कैसे हैं आप? सबसे बढ़िया, आप बताओ। बस जी झकास एकदम जोरदार। एक बार आपका वो गाना सुना दे, पानी अच्छा गा। वाहो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहवण आली जिंदगी ते भी दूर गई, तकती मेरे जुबनिया की तन लिखना आया ना, जो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। चलिए, ये गाना लोगों के जहन में जैसे कि रग रग में बैठ गया। पानीपत से दिखा, अशोक कुमार जुड़ गए हैं पानीपत से। बोलिए सर, पानीपत से ज्यादा फोन आ रहे हैं। अशोक जी जी नमस्ते। अशोक भाई, भाई गजेंद्र भाई, मेरी माँ आप तो बात करना चाहे एक बारी करियो। हाँ करा दे ताई, तो बात। हाँ हेलो, राम राम ताई। हेलो, राम राम ताई। हाँ राम राम बेटा, ठीक से? माता का ईमेल सुनाइए भाई। हाँ कौन सा? माता का ईमेल आया। ईमेल, अच्छा। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, अरे चैटिंग सेटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेयर लगाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। चलिए उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश हो रही होंगी, हम यहाँ इतने खुश हो रहे हैं। ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञानचंद जी बोलिए। हाँ जी सर, सर से बात कराओ गजेंद्र फोगाट से सर। बिल्कुल, गजेंद्र जी से ही बात कीजिए आप सर, सुन रहे हैं वो, बोलिए। ओ सर जी। हाँ सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपनी वाइफ को बुलाऊं एक मिनट? अच्छा बुला लो, बुला लो। नमस्कार जी। हाँ बुला लो, बहन जी को बुला लो। हाँ जी सर। मैं तो पहली बार आश्चर्य हुआ हूँ की पलवल डिस्ट्रिक्ट मेरे की पानीपत सोनीपत से ही सब आज बात सर, पलवल डिस्ट्रिक्ट से मैं राम राम जी बैठ दो। राम राम सर। राम राम जी। पलवल होटल में तो अभी 4-5 दिन पहले कार्यक्रम हुआ था अपना, ज्ञानचंद जी। हाँ करमल गांव में हम। मैं तो अचंबा, मतलब कि बहुत आश्चर्यजनक कि आपने मेरा फोन उठा लिया, मैं तो बार बार मिला रहा हूँ बहुत देर से। बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, तो को तो आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए, पलवल वाला तो सारा अपन भाई। आपका झूठ नहीं बोलूंगा, आज ही सुना है मेरे की हरियाणा का, और ऐसी अच्छी बातें कर रहा है, तू नंबर लगा। हाँ 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 ठीक है ज्ञानचंद जी, बड़ा धन्यवाद आपका। सर जी आप अपना एक अच्छा सा गाना सुना दो। भाई यो पहला वर्ग हमारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी का यार खाना ना रहा, ना वो कोल्लू झलेर
ना वो कोलू झलेर कुवे रहट न पैर गड़ बुढ़ा का घुंगरू बजाना ना रहा भाइयो पहलिया बरगा मारा हरियाणा ना रहा। सर मैं आपसे वाइफ आने वाली थी लेकिन वो नहीं आ पाई। गजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ ऐसा वो पहला कौन सा गाना था जिससे कि गजेंद्र फोगाट को एक नाम मिला पहचान मिली। मारा हरियाणा जिस सिर पर बोरला ढूंगे पे दामन दूध दही का खाना ईसा एंडी मारा हरियाणा ये मेरा पहला गीत था जो बहुत फेमस हुआ और मुझे लोग एंडी हरियाणा के नाम से जानने लग गए थे। जी 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 आज से लगभग 22 साल पहले मैंने ये गीत लिखा था ये बड़ा फेमस हुआ था ये गीत तो लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके बाद फिर मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई। हरियाणवी पॉप सिंगर का जो ये आपको एक नाम मिला इसे किस तरह से देखते हैं आप? बचपन में जब बाबा सहगल के रैप चलते थे जी तो तब मेरे ध्यान में आया कि ये बाबा सहगल हिंदी में गा रहे थे मैंने हरियाणवी में शुरू किया तो मेरे आदर्श शुरू में वो थे हाँ। लेकिन कुछ तथाकथित हरियाणवी के ठेकेदारों ने मुझे धमकाया उन्होंने कहा कि ये हरियाणवी लोक संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा और विनाश हो जाएगा हाँ। नहीं भाई ये गलत बात है तो मुझे लगा कि अगर ये लोग मना कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात तो है जी। क्योंकि जब भी क्रांति की शुरुआत होती है तो सबसे पहले अपोजिशन खड़ा होता है जी। समाज में आप जब भी कोई नई चीज कर रहे होंगे तो समाज आपके खिलाफ होगा बाद में जब प्रूव कर दोगे तो समाज आपके पीछे पीछे चलता है। और आज वही हो रहा है गजेंद्र फोगाट की इतनी फैन फॉलोइंग कि इस पूरे आधे घंटे के कार्यक्रम में सबसे कम वक्त मुझे मिला आपसे बात करने के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और ये हमारे शुभकामनाएं हैं हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपको वेल विशेष देते हैं कि कल जब गाना लॉन्च हो ट्यूबवेल पे दिवाली तो बाकी के आपके जितने और गाने हैं उससे भी कहीं ज्यादा जोरदार और जबरदस्त सफलता मिले इसे। बड़ा धन्यवाद बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए और इसी के साथ हम फिलहाल यहीं रुक रहे हैं देखते रहिए हरियाणा न्यूज नमस्कार। आज शनिवार है तोते को बुखार है लेट ना करो जी दारू सोडा पी तैयार है अरे मेरे नशे हो गया लगे तेरी भाभी दिखे यार अंदर है हाँ। या तो भाभी है